हेलो स्टूडेंट्स आज हम जानेंगे कनेक्टिव टिश्यू में दूसरा टाइप डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू पहला टाइप क्या था एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू या लूज कनेक्टिव टिश्यू अब दूसरा टाइप है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू किससे मिलकर बना होता है डेंस पैक्ड फाइबर्स एंड सेल्स इसमें मेनली क्या क्या पाए जाएंगे फाइबर्स एंड सेल्स प्रेजेंट होगी फाइबर्स आर वेरी इलास्टिक इन नेचर फाइबर्स कैसे हैं बहुत ज़्यादा इलास्टिक नेचर के हैं दो मेन प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ दिस टिश्यू मतलब डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में हम मेन कंपोनेंट किन के बारे में पढ़ते हैं जानते हैं वो है टेंडाउनस ऑन लेगा टेंडाउन और लेगामेंट का नाम आपने सुना ही होगा आपको पता होगा टेंडाउन क्या होते हैं लेगामेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में अब हम और डिटेल जानकारी लेंगे तो टेंडन और लिगामेंट कहाँ किस में कंसिडर होते हैं दीज आर कनेक्टिव टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू में भी कौन सा टाइप डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू टेंडन्स एंड लिगामेंट्स कम्स अंडर द कनेक्टिव टिश्यू डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू तो फर्स्ट देखते हैं हम टेंडन टेंडन मेड अप ऑफ बंडल ऑफ वाइट कोलाजन फाइबर आपने वाइट कोलाजन फाइबर येलो कोलाजन येलो इलास्टिक फाइबर के बारे में आपने जस्ट एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ा है। तो टेंडन किसके बने होते हैं बंडल ऑफ वाइट कोलाजन फाइबर्स के इसका मेन पॉइंट है सेकंड ये वेरी टफ ये कैसे होते हैं वेरी टफ बहुत ज़्यादा टफ होते हैं ये नेक्स्ट है इसमें एन इलास्टिक जो टेंडन होते हैं वो कैसे होते हैं एन इलास्टिक मतलब इसमें इलास्टिसिटी नहीं होती टेंडॉन कनेक्ट्स स्केलेटल मसल विथ बोन टेंडॉन क्या करते हैं हमारी मसल्स को बोन के साथ में जोड़ने का काम करते हैं मतलब बोन एंड मसल्स टेंडॉन बोन और मसल्स के बीच में क्या रहेगा टेंडॉन रहेगा तो ये टेंडॉन ही क्या करेगा बोन और मसल को जोड़ने का काम करेगा तो टेंडॉन में मेन पॉइंट क्या क्या है मेड अप ऑफ वाइट कोलाजन फाइबर एन इलास्टिक इलास्टिसिटी बिल्कुल नहीं है इसमें ये बहुत ज़्यादा टफ है और ये क्या करते हैं स्केलेटल मसल को बोन के साथ में जोड़ने का काम करते हैं अब नेक्स्ट आता है हमारा लिगामेंट लिगामेंट किसके बने होते हैं मेड अप ऑफ येलो इलास्टिक फाइबर इसमें इलास्टिसिटी प्रजेंट रहेगी इलास्टिक इन नेचर लेगामेंट कनेक्ट बोन टू अदर बोन एट जॉइंट ये क्या करते हैं बोन से बोन को कनेक्ट करने का काम करते हैं तो लिगामेंट क्या है येलो इलास्टिक येल। फाइबर्स के बने होते हैं इलास्टिक नेचर के होते हैं और बोन से बोन को जोड़ने का काम करते हैं वैसे डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में मेन क्या ध्यान रखना है आपको मेन इसमें टेंडन और लिगामेंट है टेंडन क्या करते हैं स्केलेटल मसल को बोन से जोड़ते हैं और लिगामेंट क्या करते हैं बोन से बोन को जोड़ते हैं यहाँ पे यही दो बातें ध्यान रखने लायक हैं लेगामेंट येलो इलास्टिक फाइबर्स के बने होते हैं और टेंडन वाइट कोलाजन फाइबर के बने होते हैं आई होप आज की क्लास अच्छी लगी होगी थैंक यू